भाई बाहर का जो नजारा है ना मैं आपको दिखाऊंगा ना, आप मेरे फैन हो जाओगे सच्ची यार। जो हमारी विंडो से अभी नजारा दिख रहा है, देखना चाहते हो? चलो मैं दिखा देता हूँ, फिर वीडियो शुरू करते हैं। एंड ये देखो भाई, हमारी विंडो से ना कुछ ऐसा नजारा दिख रहा है भाई। अभी हमें आपको पता ही है मचेल यात्रा में है, अभी हम पहुंच चुके हैं। मचेल गांव का नाम है इस गांव का। एंड जो सारे दिख रहे हैं ना, सारे अखरोट के पौधे नीचे वाली साइड। एंड कुछ ऐसा नजारा है भाई, थोड़ा जूम करके दिखाऊं फिर मजा आएगा आपको। लो भाई जूम करके देखो, ये देखो भाई। मुझे बता, आप बोलोगे भाई तू तो पहाड़ के ऊपर ही घुस गया। तो हेलो इंडिया, सुपरवाद, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? हम सब बहुत ज्यादा बढ़िया है। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है मैं भाई जम्मू कश्मीर की बहुत ही खूबसूरत यात्रा में से एक, मचेल यात्रा में। वैसे ना अगस्त में शुरू होती है, पर हम ना थोड़ा पहले आ गए क्योंकि इस टाइम ना क्राउड है यहाँ पे। और पिछला ब्लॉग आपने देखा होगा कितने खूबसूरत नजारे इन वादियों के, कुछ ऐसा ही है। एंड भाई रात को ना हमारे साथ एक सीन हो गया, मतलब तीनों भाई जैसे यहाँ पे पहुंचे थके हुए थे पूरा दिन, और भाई जैसे यहाँ पे लेटे ना एकदम से पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। जितू बोला तूने कर, मतलब मैंने ऐसे पैर रखे ना जोर से, जितू बोला तेरे पैर में इतनी पावर है। बाद में पता चला कि भाई उस टाइम ना तगड़ा वाला अर्थू के भूचाल आया था, कुछ ऐसे ही है, 3.2 मैग्नीट्यूड कुछ ऐसे था ना। क्या लग रहा था जीतू भाई उस टाइम? मैं सोचो तू बोला ही तुम ला पर 9 बजे आया, 9:09 पे आया टोडा में, और यहाँ तक पहुंचने में 10 बजे टाइम लगेगा ना। टाइम भूचाल उसी टाइम पहुंच जाता है क्योंकि तरंगे काफी तेज होती है। क्योंकि ये वाली बिल्डिंग ना ऐसे वो नहीं है, क्या बोलते हैं जैसे लेंटर डालते हैं वो नहीं है, लकड़ी के ऊपर ना मिट्टी डाली हुई है कुछ ऐसा है, तो इसलिए हाँ इसलिए हमें लगा कुछ ऐसा ही है। तो ठीक है मेरे दोस्त, अभी नहाते हैं बाहर, सब कुछ पूरी व्यवस्था है वो सारा आपको दिख जाएगा। फिर माता रानी जी के दर्शन करते हैं, देन हमें वो खूबसूरत ट्रैक ना वापस भी तय करना है। और कल ना थोड़ी बहुत वीडियो लंबी होगी, लास्ट के जो दो गांव आए थे ना इतने मस्त थे यार, वो भी जाते टाइम पूरे कवर करने हैं। तो ठीक है मेरे दोस्त, आज का दिन शुरू करते हैं। लेकिन कान्हा जी का नाम चाओ कान्हा जी की। एंड जे हम तीनों भाई यहीं पे सोए हुए थे, जीतू भाई था ऊपर क्योंकि वो थोड़े बहुत ना खराटे लेता है, पर कल किसी ने कराटे लिए नहीं क्योंकि इतने ज्यादा थक गए थे ना, जैसे यहाँ पे पड़े ऐसे सो गए भाई सारे के सारे। और मैं और आर्श भाई को थोड़ा टाइम लग गया वीडियो 12-1 बजे तक एडिट करने में, फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते। तो मेरे दोस्त क्या ठीक है भाई लोग, अभी हम जा रहे हैं पहले स्नान करने के लिए, ठंडे पानी का स्नान करेंगे भाई। अभी ना यहाँ पे ऑफ सीजन चल रहा है, जैसे मैंने बताया कि अभी यात्रा 1-2 महीने के बाद शुरू होनी है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, मतलब इक्का दुक्का है गांव वाले। एंड कुछ ऐसा है भाई, मचेल की गलियां, मचेल के पुराने घर कुछ ऐसे है। यहाँ पे ना लकड़ी के घर ज्यादा बनाए जाते हैं, दिख रहा है ना, क्योंकि स्नो ज्यादा रहती होगी तो लकड़ी के घर ना थोड़े गर्म रहते हैं कुछ ऐसा ही है। तो चलो भाई, गलियां तो पूरी खाली है और हम जा रहे हैं ठंडे पानी का स्नान लेने के लिए। एंड वो सामने जो माउंटेन दिख रहा है ना, वहां से होता है सुबह सुबह सनराइज। बोला जाता है कि सुबह सुबह ना भगवान शिव की साक्षात दर्शन होते हैं वहां पे। बट हम ही 10:30 बजे उठ रहे हैं, अभी दिन तो कब का निकल चुका है, अभी तो सूर्य देवता सर के ऊपर पहुंच चुके हैं कुछ ऐसा है। और अभी दिख रहा है ना बिल्कुल खाली है, जब यात्रा चलेगी ना यहाँ पे श्री केदारनाथ जैसी हालत हो जाएगी, पैर रखने की जगह ही नहीं होती। चलो मेरे दोस्तों ठंडे पानी से नहाते हैं, सही है ना, गर्म में निकलता है ठंडे से नहाना। अरे बहुत जल्दी यात्रा यार, जगह छोटी है ना थोड़ी, ये सिटी देख। चलो भाई पहुंच चुके हैं नहाने के लिए। वैसे यहाँ पे ना सारी फैसिलिटी है क्योंकि इतनी ज्यादा यात्रा आती है ना, नहाने से लेके टॉयलेट की सारी व्यवस्था है भाई। दिख रहे ना नल चल रहे हैं, पर दिक्कत एक ही है, पानी ना बर्फ वाला पानी है भाई। नहाने के लिए ना थोड़ा सा ऐसे मन मारना पड़ता है कुछ ऐसे ही है। चलो भाई फटाफट हम नहा लेते हैं, एंड यहाँ से कुछ ऐसा नजारा है, इसके बाद हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। दिखाते हैं सब आहिस्ता आहिस्ता, डोंट वरी। एंड कुछ ऐसा नजारा है चारों तरफ भाई, पूरे ग्रीन पहाड़, शायद इनके ऊपर से ना बर्फ अभी हटी होगी इसलिए ज्यादा ग्रीन है। एंड ऊपर वाली साइड यार पूरा बर्फ से कवर है। मैंने बोला है ना यहाँ से 1-2 पहाड़ी छोड़ के लद्दाख शुरू हो जाता है, जो अपनी जम्मू की ना लास्ट वाली रेंज भी बोल सकते हो। लो मेरे दोस्त चैगर करो, नहा के भाई सोने मुंडे बन के ना रेडी हो चुके हैं, अभी चलते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। और मुझे बताया आप ना मेरे गमछे के बारे में कुछ बोलोगे, दरअसल ना ये मेरा टॉवल हर एक काम कर लेता, धूप लगे तो ऊपर ले लेता हूँ, गर्मी लगे तो ठंडा करके ले लेता हूँ ऊपर, ऐसे
एंड नहाने के टाइम टॉवल बन जाता है, मतलब सारे काम कर लेता है। शाम को मैं इसे गमछा बना लेता हूँ, तो इसके लिए बुरा मत बोलना, सही है ना। तो चलो मेरे दोस्त अभी ना टाइम हो चुका है आपको चंडी माता जी के दर्शन करवाने का, जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं भाई। फिलहाल मैं आपको बता दूं, मैंने दर्शन कर लिए हैं। मतलब ऐसा होता है कि यार इतनी दूर से दर्शन करने के लिए आए हैं, फिर बाद में ना मेरे मन में रहता है यार तू तो अंकुश वीडियो बनाने के लिए गया था, इसलिए पहले मैं खुद दर्शन करके आ चुका हूं, फिर वापस आया। इस बार अभी मतलब आपके लिए आया हूं कि आपको भी दर्शन कर बैठे हो जाए, सही है ना। तो चलो भाई दर्शन करवाते हैं। फिलहाल अभी कपाट तो नहीं खुले हैं, यहाँ पे खोल लिया हमने जूते। चलो भाई जय माता की। अंकुश ऐसा है भाई, अभी तो खाली है ना, पर जब यात्रा चलती है ना बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है। एंड ये देखो नीचे वाली साइड ना लेंटर नहीं डाला है यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसा होगा गार्डर डाले होंगे या लकड़ी डाली होगी, उसके ऊपर मिट्टी डाली हुई है और उसके ऊपर ही टाइलें लगाई हुई है, कुछ ऐसा है। एंड जी है भाई चंडी माता जी का दरबार, कुछ ऐसा है। जा सकते हैं अंदर, कुछ ऐसा है भाई। मैंने बताया ना 10 साल पहले आया था, सेम टू सेम मेरे माइंड में ना सेम बैसी वाली एक इमेज बनी हुई थी, एंड अभी मैंने दर्शन भी कर लिए हैं। जी कब खुलने वाले है कपाट? ये पता नहीं, अभी दर्शन नहीं हो सकते ना। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है, अगर हमारी किस्मत में दर्शन होंगे ना तो हमें मिल ही जाएंगे। वैसे हमने बाहर से कर लिए हैं। जे लाइन में पता क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी वो सर जी है ना पुलिस वाले भैया यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए, उन्होंने अभी ना पंडित जी को कॉल करा है। पहले मैं आपको बताना भूल गया, ये ना सुबह अभी मतलब श्रद्धालु ज्यादा नहीं आते तो सुबह 8 बजे तक खुला रहता है, एंड शाम को भी खुलता होगा कोई टाइम पे, हमें पता नहीं था, हमने सोचा पूरा दिन खुला रहता है, तो इसलिए अभी बंद है भाई, श्रद्धालु कम है ना। तो अभी पुलिस वाले भैया ने कॉल करा है, अगर वो आ जाते हैं तो दर्शन मिल जाएंगे, नहीं तो बाहर से कर ही लिए हैं, कुछ ऐसा ही है। एंड भाई जब बंदा यहाँ पे पहले तो 28-30 किलोमीटर था, मतलब शाम तक ना हालत खराब हो जाती थी बंदे की चल चल के, क्योंकि आपको पता है ना उबड़ खाबड़ रास्ता है, पर रास्ता जो ट्रैक है ना बड़ा मस्त वाला यार, मतलब ये है कि सफर थोड़ा ज्यादा था। जब यहाँ पे बंदा पहुंचता है ना, देखो यार जो आसपास के यहाँ पे नजारे होते हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी बर्फ से ढकी चोटियां, सारी थकान ही खत्म हो जाती है, कुछ ऐसा नजारा है भाई, बिल्कुल खाली अभी। एंड चारों तरफ दिख रहा है ना सारी ऊंची ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी हुई, जिन्हें देखने के बाद ना बंदे की सारी थकान ही खत्म हो जाती है। महालक्ष्मी महाकाली और महाचंडी पिंडी रूप में जो प्रकट हुई और यहाँ के दर्शन एक बार फिर से बोलिएगा। महासरस्वती हाँ जी, महालक्ष्मी हाँ जी, महाकाली और महाचंडी पिंडी रूप में जो प्रकट हुई, मचेल माता कहते हैं जिसको, और यहाँ के दर्शन नहीं घूमे, बीच में कोई एक आधा घूमे, फिर यहाँ पे देखो हाँ हाँ हिल रहे हैं, हिल रहे हैं, बीच में दर्शन है, ये दर्शन है यहाँ के। फिर कभी कभी माता की आंख खुलती है, नथनी अभी ना जाने का टाइम हो चुका है। वैसे देखा जाए ना हमारी किस्मत थी कि हमें दर्शन हो गए, नहीं तो हम जाने वाले थे बाहर से दर्शन करके ही। थैंक यू पुलिस वाले भैया जी का, जिन्होंने कॉल करी पुजारी जी को, फिर हमारे लिए मंदिर खुला। किस्मत होती है यार, ऐसे नहीं खुलता। एंड मेन चीज हमें उस चीज के दर्शन हुए, नहीं तो बाद में जब यात्रा चलती है ना इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता दर्शन करने के लिए। हम कम से कम 5 मिनट अंदर बैठे, माता जी के जो हाथ में घुंघरू होते हैं ना जैसे डाले होते हैं वो ना हिलते रहते हैं, कुछ ऐसा है, तो उसके भी दर्शन हुए। कभी कभी माता जी की, वो तो मैंने सुना है कि माता जी की जो नथ होती है ना नाक में, जब यहाँ पे यात्रा चलती है डोल शोल बजता है ना आसपास, वो ना ऐसे वाइब्रेट होती रहती है, और भी काफी कुछ, मतलब साइड पे माता जी बिंडी रूम में विराजमान है। चलो भाई किस्मत थी अच्छी तरह से दर्शन हो गए, आपको भी दर्शन करवा दिए, किस्मत होती है भाई, नहीं तो जैसे अभी बाकी वाले आ रहे हैं ना इन्हें दर्शन नहीं हो रहे, कुछ ऐसा ही है, ये शाम तक रुकना पड़ेगा इन्हें। चलो धन्य हमारा जीवन, माता जी ने बुलाया था तभी यहाँ पे पहुंचे हैं, नहीं तो भाई प्लान आपको बताया ना दरे के दरे रह जाते हैं, सही है ना जीतू भाई? हाँ जी, और गए दर्शन फिर? हाँ
वो तो मैंने भी सुना था, बहुत ज्यादा वाइब्रेट होती है जब वो माता जी की डोली आती है ना यहाँ पे, उस टाइम देखना भाई। हाँ, घुंगरू तो हिलते रहते हैं एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं बारीकी से, वो सारा फिर कभी कवर करेंगे। सही है ना, फिर हाँ तो ठीक है भाई। वैसे तो इन वादियों को छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा, निकलेंगे नहीं तो आगे कैसे जाएंगे, फिर दूसरी बार कैसे आएंगे, कुछ ऐसा ही है। तो ठीक है मेरे दोस्त, अभी टाइम हो चुका है हमारा भी आगे की ओर प्रस्थान करने का। वैसे यहाँ पे लंगर भी लगा उधमपुर वालों का, जो कि साल के ना 7 महीने यहाँ पे सेवाएं देता है। चलो भाई चलते हैं अभी। अच्छा हमें बुला रहे हैं भाई। देखा जाए ना आसपास बर्फ वाली पहाड़ियां ऐसे, मतलब पूरी भरी हुई हैं, पर घाटी के अंदर जो गर्मी पड़ रही है ना यार इस टाइम, तो भाई जी मैंने बोला ऊपर तो बर्फ है वैसे चारों तरफ, जो घाटी के अंदर मतलब गर्मी पड़ रही है अभी तगड़ी वाली। मतलब देखने में कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। इन बर्फों की ना सर्दी खत्म हो चुकी है सारी, है ना, पावर नहीं रही, पावर नहीं रही वो पावर। पर तूने जैकेट पहनी हुई है, कौन सी? तूने एक मंदिर नोटिस किया है लगती छांव में? देख बहुत दूर का मंदिर है वो सामने। हाँ जा प्रभु, दिख रहे ना ऊपर बर्फ है बट फिर भी घाटी में गर्मी है। चलो भाई चलते हैं अभी फिलहाल, फिर आएंगे जब माता जी ने बुलाया होगा। चलो भाई चलते चलते ना एक मधुमक्खियों के साथ एक सेल्फी ले लेते हैं। जी देखो कितनी सारी मधुमक्खियां यहाँ पे, इधर भी है इधर भी है। चलो छोटी बहनों स्माइल करो भाई, बहुत ज्यादा हो गई है इन्हें, शायद ज्यादा प्यार आ रहा है अपने भाई के ऊपर, कुछ ऐसा ही है। अगर इन्होंने काट दिया ना तो मैं मोटू हो जाना है ना, अगर किस कर दी ना किस कर दी लेने के देने पर जाने हैं। और जे वाला हमारा होटल था यहाँ पे हम रुके हुए थे, तो उस टाइम ना आंटी जी नहीं थे सुबह सुबह, तो अभी अर्श भाई गया है पैसे देने के लिए। एंड कुछ ऐसा है भाई, बड़ा खतरनाक जगह। और स्कूल चले हम, बस स्कूल कहाँ पे है भाई, नीचे वाली साइड है स्कूल चले हम। तो भाई कल शाम को ना थोड़ा अंधेरा हो गया था, इसलिए ना आपको प्रॉपर मचेल गांव दिखा नहीं पाए थे, अभी चलते चलते ना आपको पूरा गांव दिखाएंगे। सही है ना भाई, इतनी जमीन ना हमारे पास प्लेन में नहीं है जितनी यहाँ पे इन्होंने पहाड़ों में प्लेन करके बनाई हुई है, कुछ ऐसा है। चलो भाई टाइम पे जा रहे हैं, बालकों को छुट्टी भी हो चुकी है, छुट्टी होने का मजा भी अलग होता है ना भाई, छुट्टी होने का मजा अलग से होता है ना। अब घर जाएंगे खेलेंगे, है आधी छुट्टी रूसी क्या है मतलब। ओ छोटे भाई मुन्ने दे दे थोड़ा, दे दे यार, और नहीं देना है। स्कूल चले हम, बच्चे भी डरते हैं। तो 4 बजे तक ही चलता है ना आजकल, 8 बजे वाला शिफ्ट होने वाला है अभी, दोपहर 4 बजे तक चलता है बच्चों ने बताया। अच्छा हाँ। चलो भाई अभी ना मैं आपको एक मस्त वाली जगह दिखाता हूँ, यहाँ पे ना जैसे हमारे घर पे होता है ना वो खुशबू वाले क्या बोलते हैं मोंगरे वाले, मोगरा होता है ना जिसमें स्मेल आती है रात को ही नहीं, सॉरी खुशबू आती है रात को ही नहीं मस्त वाली। यहाँ पे भी जंगली वाले पौधे लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े, इसकी खुशबू उससे ट्रिपल है। जब हम दिल्ली से निकले थे ना यहाँ पे इंटर होते होते इतनी मस्त वाली खुशबू आ रही थी भाई, अभी मैं आपको ना वो वाले पौधे दिखाता हूँ, बड़े मस्त है यार, है ना जीतू भाई। वो जो दिल्ली में खुशबू आ रही थी मोगरा, उसे जंगली मोगरा बोल सकते हैं। जय माता दी, छुट्टी होगी अरेसी आधी छुट्टी है ना। अच्छा अच्छा, और भाई मैंने अपने आप को शीशे में अभी देखा है, बड़ा सुंदर सा लग रहा है यार। हीरा है अभी जो फेमस, मतलब सबसे महंगा हीरा है ऐसा कुछ, वो तो कोई नूर था ना, नहीं इधर का है जम्मू कश्मीर में शायद है, बोला इधर इस बंदे के पास है गांव में। हाँ शायद ऐसे कुछ पता नहीं, इसके कहने का मतलब है कि आगे एक गाँव है वहाँ पे एक बंदे के पास हीरा है जो बेशुमार कीमती है इन जम्मू कश्मीर में। भाई ऐसा मत बताओ, जम्मू का जम्मू कश्मीर का एरिया है पता चले और इधर भी टैग हो गया। सही है ना, ओह गुप्त रखनी है ऐसे इन्फॉर्मेशन। सही है ना। एंड यहाँ पे देखो जब आपका जब यहाँ पे आते हो ना ऐसा स्वागत होता है उस घने छायादार पौधों से, है ना, लद्दाखी पेड़ से, लद्दाखी पेड़ है ना ये। हाँ भाई, इसका मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज लगती है, इसके ऊपर ना नंबरिंग होती है, इसे काट नहीं सकते क्योंकि लद्दाख में बड़े लिमिटेड पेड़ होते हैं ना, तो आपको पता है सरकार से ज्यादा दिमाग लोगों का होता है, जो प्रजा का ना, लोगों ने ना ऊपर से काटना शुरू कर दिया ना नंबर के ऊपर, नंबर नीचे रह जाते हैं, इससे फायदा होता है ऊपर से काटते हैं ना फिर उसकी नई शाखा निकल जाती है और मतलब रीयूज कर सकते हैं। जलाने में काम ले लेते नहीं, जलाते नहीं है भाई इसे। हाँ। इसके घर पे जो लकड़ी यूज होती है ना यही लकड़ी यूज करते हैं, जिससे ज्यादा लंबा मैंने देखा ही नहीं। हाँ जैसे इन्होंने मेन तो ये काम आएगी, इस पे नंबर लगाते कैसे काट लेंगे, टहनियां काटते हैं जला लेते हैं। नहीं नहीं सुन, जैसे हम सरिया डालते हैं ना घर के अंदर, वैसे इस लकड़ी को डालते हैं, इसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, समझा।
जो नंबर रिंग आता ऊपर, नहीं 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 ऊपर वाली, ये पतली पतली है ना, इसे एज ए सरिया यूज करते हैं। हाँ लंबी लंबी शान। भाई अभी जैसे इस जगह पे पहुंचे हैं ना, यहाँ पे मैंने बोला है खुशबू आती है और उन मोंगरे वाले फूलों की आना शुरू हो चुकी है। और वो देखो सामने ये सारे मोंगरे वाले ट्री हैं, इसे वाले आगे बड़े पड़े हैं भाई, इनके ऊपर इतने ज्यादा फूल है ना। चलो मैं आपको थोड़ा ना तोड़ के दिखाता हूँ, आगे वाली साइड तोड़ते हैं। जे देखो मेरे दोस्त, नेचर ना बहुत ज्यादा यूनिक है यार, हर चीज प्रोवाइड करी हुई है, दिख रहा है ना भाई क्या खुशबू आ रही है। माँ कसम इतनी ज्यादा खुशबू आ रही है ना सेंट की। और ये वाले मोंगरे है वो, जैसे वो सरों के ऊपर लगाती थी ना मूवीज में देखा जाता, सेम वैसे वाले हैं। पर ये जंगली पौधे हैं क्योंकि इन पौधों की हाइट देखो यहाँ से लेकर कितना बड़ा है। और खुशबू आ रही है ना, अगर जुकाम है फिर नहीं आएगी, फिर भी आ रही है, आ रही है। चलो एक बार ना उतार के दिखाता हूँ मैं आपको। अरे उतर गया भाई, अरे देखो कुछ ऐसा है भाई ये, मोहा कसम क्या खुशबू आ रही है, बहुत तेज सैंड की खुशबू है। और सेम टू सेम वैसी है जैसे हमारे घरों पे होता है ना मूंगरी वाला पौधा, और भी तीन चार होते हैं खुशबू देने वाले, सेम वैसा है। और भाई इसकी खुशबू ना पूरी घाटी में फैली हुई है यहाँ पे आसपास, क्योंकि हवा ना पहाड़ों से आती रहती है ऊपर नीचे की ओर, और पूरी आसपास जहाँ पे ना इसकी खुशबू है यार बहुत ज़्यादा। और एक ट्री नहीं है यहाँ पे, अभी कम से कम ना 100 मीटर ऐसे वाले ट्री दिखते जाएंगे। ये तो भाई खुशबू आ रही है ना, इसको मल देना फिर नहीं आती, फिर नहीं आती हाथों को, बस इसे ऐसे पकड़ो फिर जाके आएगी। इसे इतने सारे पूरी महक रही इसकी। आप अगर आओगे ना यहाँ पे खुशबू पक्का स्मेल कर लेना, याद रखना ये वाली जगह पुल क्रॉस करने से पहले ये ट्री दिखना शुरू हो जाएंगे ऐसे वाले। भाई जब आए थे ना जही से हमें पहले दर्शन हुए थे माँ चंडी जी के, और जही से हमें फिलहाल अपनी यात्रा के आखिरी वाली दर्शन हो रहे हैं, जल्दी वापस आएंगे और घंटी जाते टाइम नहीं बजाते हैं ना। चलो भाई भाई कल जब हम गए थे ना हमारे साथ हार्डली ना 10-12 लोग ही गए होंगे जो हमें दिखे नहीं पूरे रास्ते में, और आज हम वापस जा रहे हैं ना देखो कितने सारे श्रद्धालु अभी ऊपर की ओर जा रहे हैं। ऊपर पानी ना ज्यादा ठंडा है इसलिए यहीं पे स्नान करके जा रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैंने बोला है ना कल हम 5-6 लोग ही थे, आज देखो कितने सारे श्रद्धालु जा रहे हैं, आज यात्री ज्यादा है, तो दर्शन करने वाले भी हम ही 2-3 थे। वो पता क्या है, हम ही भाई 10:30 उठे ना, तो उल्लू के लिए उल्लू को लगता है कि पूरी दुनिया में लोग है ही नहीं है, पर रियलिटी में दुनिया भरी पड़ी है। तो सेम ऐसा हाल था, हम 10 बजे उठे, हमें कोई दिखा ही नहीं, तो हमें लगा कोई आया नहीं है। एग्जाम्पल सही थी ना, थैंक यू ब्रो। भाई दादी माँ ना मेरी नानी से भी ज्यादा बूढ़े होंगे, यात्रा पे जा रहे हैं। नहीं नहीं ये शायद लोकल ही हैं। दादी दर्शन करने के लिए जा रहे हो, कहाँ से आए आप, लोकल ही हो? हाँ जी अच्छा गुलाबगढ़ से पैदल ही? अरे मानना पड़ेगा दादी, दिल खुश हो गया आपको देख के। पैदल ही गुलाबगढ़ से कितने दिन लगे यहाँ तक आने में? हैं आज ही आएंगे, कितने दिन के अंदर? गुलाबगढ़ अकेले आ गए दादी जी? अच्छा अच्छा पूरी फैमिली है, बाबा जी भी साथ में है। ठीक है ठीक है, आपको देख के हमें भी हौसला आ गया और इस मेरे दोस्त को भी हौसला आ गया, काश हम भी आपकी उम्र में पहुंच पाए। जय माता दी जी, जय माता दी जी। अभी ना मैं आपको इस गांव का ना सबसे क्या बोलते हैं खुशी के पल बता सकता हूँ, यहाँ पे सारे आंटी लोग मिलके काम करते हैं और थोड़ी बहुत ना वो भी कर लेते हैं, जब आंटी लोग सारे इकट्ठे होते हैं क्या करते हैं आपको पता ही है। भाई यहाँ पे चल रही है गोडी गुड़ाई चल रही है, आंटी जी नीचे आ जाओ मैं। ओ भाई आज सभी एक ही घर से हो, मतलब सारे मिलके काम करते हो है ना? ओहो चावल कहाँ से आ गए? हाँ ये चावल है, ये चावल के हैं। सच में? हाँ इनका यहाँ ऐसे लगता है, दान ऐसे लगा देते। पनीरी किधर है? पनीरी अच्छा भाई, अच्छा भाई ये दान लग रहा है यहाँ पे, जाम दान जिसे चावल बोल रहे हैं ना दान लग रहा है, पर यहाँ पे कुछ ऐसा लगाते हैं, मैं पहली बार देख रहा हूँ अपनी लाइफ में। चावल है कहाँ पे? पनीरी दान का वो पौधा इधर नीचे है। अच्छा निकलने वाला अभी?
ये दान का है? ये देख नीचे, ये दान का नहीं है, ये दूसरा है। दान वाला कहाँ पे है? दान वाला उधर है ठोली में। अच्छा बाद में लगाओगे? हाँ। पनीरी वहाँ से लेके आओगे? अच्छा। भाई सच बताऊ ना, ऐसे वाला सीन लास्ट टाइम ना बॉर्डर मूवी में देखा था, उसके बाद आज एक्चुअल आंखों से देख रहा हूँ। सारे गांव वाले आंटी लोग ना मिलके काम कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ना, जब सारे आंटी लोग मिलते हैं फिर बातें भी बन जाती हैं थोड़ी बहुत, कुछ ऐसा ही है। अब मोहल्ले वाले सारे, फिर आप सभी के खेतों में जाओगे ऐसे ऐसे बारी बारी? ओह माय गॉड, देख रहे हो यहाँ पे कितनी ज्यादा एकता है, इसे बोलते हैं प्यार। जय माता दी जी। अच्छा यहाँ पे बाद में दान लगाने वाले हैं कुछ ऐसा, उसके लिए अभी खेती साफ हो रही है। से बारिश वाला मौसम हुआ है ना, सभी ने भाई अपना अपना शॉल ले लिया, जो भी अपना शॉल होता है ना। ठीक है आंटी जी, खाना खाओ, अभी खाना खाने का टाइम हो गया। खा लिया? ठीक है फिर मिलेंगे। जय माता दी जी। भाई देखो किन्नी सही जगह पे बैठे हुए हैं, जम्मू में पड़ रही है भयंकर वाली गर्मी और आंटी लोग शॉल लेके बैठे हुए हैं, और सामने का नजारा देखो भाई, बर्फ से कवर माउंटेन। कड़ी आलू कड़ी खाओ मैं से। मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने बोला जैसे मैंने खाने का नाम लिया ना, एक सुंदर सी लड़की खाना लेके आ गई, लड़की शर्मा गई, वो बात अलग है। माता दी जी। भाई सीन दिखने में एकदम मस्त लगता है ना, पर बिहाइंड द सीन ना वापस कैमरा लेने के लिए आना पड़ता है दौड़ के। चलो एनीवे चलते हैं, अच्छा लगा ना आपको? ऑर्डर पे बनेगी भैया? बन जाएगी, बन जाएगी, बन जाएगी। साग नहीं है? ओहो राजमा भी है? राजमा कुछ कुछ राजमा खा लेंगे कुछ भाई? नहीं नहीं यार, राजमा खा लेना। नहीं आलू ठीक है, हम पूरे वीडियो बोलते हैं भाई। आपको बता रहे सुबह से हम एक ही चीज बोल रहे हैं कि वहाँ पे यहाँ पे सड़क है ना, वहाँ से क्या यार मैं लाइन भूल रहा हूँ, यहाँ पे सड़क शुरू होती है ना, वहाँ पे हमें ना साग और मक्की की रोटी मिलेगी, बट यार इन्होंने दिल ही तोड़ दिया, बोल रहे हैं साग ही नहीं है मक्की की रोटी है। ठीक है भाई चाय के साथ खा लेते हैं, क्या बोलती पब्लिक? हाँ खा लेते हैं, खा लेते हैं, दिल नहीं मानना चाहिए। नहीं नहीं मक्की की रोटी तो खाएंगे, और सब्जी और भी है जो भी, साग ही थोड़ी है। जीतू भाजी कह रहे लेट हो जाएंगे, अभी लाना है तोड़ के बनाना है, मतलब फिर सुबह ही जाएंगे यहाँ से। छोड़ पड़े तो बिस्कुट का भाई, अभी ना वही मुद्दा चल रहा है कि बनाना क्या, आखिरकार वो ना साग बनाने के लिए एग्री हो चुके हैं, बट यहाँ पे नया ट्विस्ट आ चुका है, बोल रहे लोकल आलू खाने हैं। हाँ साग तो खा लेना, साग तो नीचे भी मिल जाएगा। हाँ आलू नहीं उनके पास, फिर क्या करना है मेरे दोस्त? सुन साग नीचे मिल जाएगा, साग यहाँ का लोकल लेंगे, आलू नीचे। साग खा लिया भाई, साग खा रहे दो दिन लगातार, खराब हो गया इसका, मेरे को लग रहा है। यही आपका इसी गांव से हो? भाई जाते टाइम ना इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ ना आते टाइम हो रही है। 10 किलोमीटर खत्म ही नहीं हो रहा भाई, और ये वाला रास्ता ना सबसे डेंजर रास्ता होगा इस वाले रूट के ऊपर। तो आखिरकार मेरे दोस्त 10 किलोमीटर अब जाके खत्म हुआ है, कुछ ऐसा नजारा है भाई। जब गए थे ना जेसीबी, आपको बता ना यहाँ पे लगी हुई थी, पूरी साइड की चेंज होगी भाई, शुक्र है बाइक हमने उस साइड लगाई है, नहीं तो यहाँ से वहां तक लेके जाने में दिक्कत हो जाती। और अभी 7:30 बजे पहुंचे हैं, ठंडा मौसम है भाई, तो अभी अपना सामान भी सारा उधर ही है, खाना खाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सामान रखा है ना, खाने को हम ऊपर भी खा सकते थे, पर हमने सोचा यहाँ पे सामान रखा है वहाँ पे भी खाना चाहिए, उनको भी थोड़ा फायदा हो जाए, सही है ना। तो मिलते हैं आपको कल नए सफर में, कल हम निकलेंगे अपना केलोंग की ओर, शायद कुछ ऐसा ही है। और अभी जो वर्ल्ड
टॉप 10 डेंजर रूट है ना, जो खतरनाक रोड हम करने के लिए आए हैं, वो अभी रास्ते में आने वाला है। तो ठीक है, मैं दोस्त चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, एंड मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे जी।